नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक अलग तरह का वीडियो लेकर के आया हूं, जिससे कि आपके मन में एक बहुत पर्टिकुलर धारणा होगी वास्तु को लेकर के, वो आपके निकल जाएगी। हाँ मेरे दोस्तों, अगर आप लोग साउथ फेसिंग घर में रह रहे हैं, अगर आपका प्लॉट साउथ फेसिंग है यानी कि सड़क साउथ की तरफ है, तो मुझे निश्चित पता है कि लोगों ने आपको जरूर से कहा होगा कि यार ये तो साउथ फेसिंग घर है, साउथ फेसिंग प्लॉट है। और इस चीज को लेकर के आपके मन के अंदर कई सारी शंकाएं भी पैदा हुई होगी, या कुछ भी अहित हो रहा होगा या गलत हो रहा होगा, तो आपने जरूर उसको रिलेट किया होगा उन लोगों की बातों को कि यार साउथ फेसिंग घर है इसलिए ऐसा है, और अगर मुझे मौका मिले तो मैं यहाँ से शिफ्ट होकर के कोई नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग घर ले लूँ। पर एक बहुत खुशी की खबर यह है कि साउथ फेसिंग घर बिल्कुल गलत नहीं होता है। ये बहुत बड़ी गलत धारणा है जो लोगों ने फैला दी है, और इस कदर फैलाई है कि हम इस पे यकीन करने लग गए हैं कि साउथ फेसिंग में रहने वाले सारे लोग परेशान होते हैं, या वास्तु के हिसाब से बिल्कुल गलत है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आप खुद चेक कर सकते हैं। आपकी गली में अगर आप साउथ फेसिंग रह रहे हैं तो आपके सामने वाले घर सारे नॉर्थ फेसिंग होंगे, ये बात तय है। तो आप एक बार देखें कि क्या नॉर्थ फेसिंग घर वाले सारे सुखी हैं, बहुत फ्लरिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी कमाई है। तो आप ये पाएंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉर्थ फेसिंग वाले घरों में भी शायद प्रॉब्लम हो और साउथ फेसिंग वाले भी बहुत अच्छा कर रहे हों। अब सारी बात आके इस पे रुकती है कि आपके घर की प्लानिंग कैसे है। अगर साउथ फेसिंग भी आपका प्लॉट है और अगर आपने प्लानिंग एकदम उसको सही करी है, सारे जो कमरे होने चाहिए उसके अनुकूल हो, तो आपको कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई ना कोई समस्या आपके अंदर आ रही है और आपके मन में ये डर है कि यार साउथ के कारण ऐसा हो रहा है, तो मैं आपको सिर्फ एडवाइस दूंगा कि आप किसी भी अच्छे साइंटिफिक वास्तु कंसल्टेंट से संपर्क करें, जो एक्सपीरियंस्ड हो, जिसको नॉलेज हो, और एक बार घर आप जरूर चेक कराएं और इस चीज़ को मन से बिल्कुल निकाल दें कि साउथ फेसिंग में रहने के कारण आपका बुरा होता है, क्योंकि साउथ फेसिंग घर भी उतना ही अच्छा होता है जितना कि नॉर्थ फेसिंग होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और शायद आपके मन के कुछ डर को मैं कम कर पाया हूँ। सो अगर आपको पसंद आया है तो आप उन दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी इस वीडियो से पहुंचाएं, ताकि वो लोग भी उस डर से बाहर निकल सकें और अपने घर को अच्छे से उसमें रह करके और लाइफ जी सकें। थैंक यू।